हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहां हम पढ़ते बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपना टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन को कवर कर रहे थे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है इसके बारे में देखा। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का वर्किंग रूल और उसके फीचर्स के बारे में देखा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आज बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो आपको मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। और जब अलग अलग नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो अलग अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले टाइप की। तो इसमें क्या होगा, एक यस एटॉमिक ऑर्बिटल और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे। ठीक हो, देखो यार, यस कैसा होता है ऐसा, और पी सबसेल तीन ऑर्बिटल्स में टूटता है। सबसेल ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने पहले ही क्लास में कवर कर लिया था। ठीक है, तो जब ये सिर्फ दो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, ऐसे टाइप को हम बोलते हैं यस पी या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, जैसे हम बात करें इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों मिलके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, दो। पिछले क्लास में हमने देखा था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये क्या होगा, एक एसपी और ये भी एक एसपी। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद ये किसी से ओवरलैप करके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, पिछले ही क्लास में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम BeCl2 के बारे में। और हमने आपको एक बात तो मालूम ही होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही बनाया गया था, पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले BeCl2 के बारे में। तो सेंटर में कौन होगा, बेरिलियम होगा। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। उसके बाद दो क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इधर से लिखने में प्रॉब्लम होती है। चलो, क्लोरीन के वैलेंस सेल की बात करें। वैलेंस सेल क्या होता है, किसी आटम के बाहर वाला सेल में हो रहने वाले ऑर्बिटल। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो अंदर वाले में 2 होगा, बाहर वाले में 8, इसके वाले में 7, 2, 8, 10, 7, 17 ऐसे ही होंगे ना। अंदर वाले में 1s होगा, दूसरे वाले में 2s और 2p होगा, तीसरे वाले में 3s और 3p होगा। ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में 6, 2, 2, 4, 6, 10, 3s में 2, 12, 3p में 5, 17। ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हम सिर्फ उन्हीं का बना रहे। ठीक है, वैलेंस सेल में कौन से ऑर्बिटल्स हैं, 3s 3p, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, कर्स्यू का आदत नहीं है। चलो 3p में, p में 5 इलेक्ट्रॉन, इनके भी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3s ऐसा दिखेगा और आपका 3p ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5। इस 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, छोटा बन गया क्या, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 1 2 3 4 5। तो यार आपको एक बात तो मालूम रहेगा, जो p ये क्या है, पूरा सबसेल कहलाता है, और जब तीन टुकड़ों में टूटता है तो उसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, इनका इनका इनका
इनर्जी सेम होता है, इनका 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 इनर्जी सेम होता है, ठीक है। तो इनका नाम कैसा होता है, 2px होता है, 2py, 2pz होता है। तो आप किसी को भी 2px, किसी को भी 2py, किसी को भी 2pz बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है p और vital एक दूसरे से 90 डिग्री पे ओरिएंट होते हैं और सबका एनर्जी सेम होता है, ठीक है। तो आप किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, आपने दोनों क्लोरीन में मिलाए तो टोटल दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने के लिए इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्यों, बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। तो आपका ये 2s भी पार्ट ले सकता है, लेकिन देखो 2s के बाद कोई भी ऑर्बिटल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। जो आपका 2p ऑर्बिटल होगा उसमें जीरो इलेक्ट्रॉन है, 2s के बाद 2p आता है और 2p में जीरो इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद जब एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले बेरिलियम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में हम कैसे ले जाते हैं, बेरिलियम को हीट करके। तो पहले क्या होगा, जो ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है इनके बीच जो बॉन्ड बना है वो टूट जाएगा और ये 2s का दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ जाएगा, ठीक है। तो बेरिलियम अपने एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचा पाएगा और 2p में एक इलेक्ट्रॉन भेज देगा, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन बॉन्डिंग से पहले क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, जिससे क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये दोनों मिलके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इनका और इनका ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो क्या करें, थोड़ा सा रफ करते हैं नीचे का, चलो यहीं पे साफ कर देते हैं। अरे यार क्लोरीन का ही, चलो तुमको याद है क्लोरीन का 2pz, तो क्लोरीन के 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। आपको एक बात तो मालूम होगा ना यार, जब हम ओवरलैपिंग करा देते हैं, कराने वाले होते हैं, तो स्पिन अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन जो ऐसा दिख रहा था 1, 2, 3, 4, 5, हम क्या करेंगे, इनका स्पिन अपोजिट कर देंगे, और जो दूसरा क्लोरीन था उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 था। तो यहाँ पे हम स्पिन अपोजिट कर देंगे, क्यों, ओवरलैपिंग कराने के लिए। ये सब तो हम बहुत क्लासेस से देखते आ रहे हैं, ठीक है। स्पिन को अपोजिट कर दो। आपको एक बात तो मालूम ही होगा, पिछले क्लास में हमने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि बेरिलियम में जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp का शेप कैसा होता है, sp का शेप कुछ ऐसा होता है, ये पॉजिटिव लोब और नेगेटिव लोब को हम छोटे से दिखाते हैं, ये एक sp, ये मिला के, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पॉजिटिव लोब और ये एक छोटा सा नेगेटिव लोब, ये बड़ा वाला और ये छोटे वाले को मिला के दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो यार, ये sp, ये sp, ये sp, ये sp, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब क्या होगा, क्लोरीन आ गया, क्लोरीन का 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बेरिलियम में एक है, यहाँ पे बेरिलियम में एक है, क्लोरीन का क्या है, 2pz खाली पड़ा है। तो क्या करेगा, देखो यार डायरेक्शन तो क्लियर है ना, पिछले ही बहुत से क्लासेस में हमने आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया था कि हम किसको x, किसको y, किसको z लेंगे, ठीक है। जब चेंज करना होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो क्लोरीन अपना 2pz में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेके आएगा और यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा। उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ उस वाले एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लोरीन आएगा, वो भी अपना 2pz लाके यहाँ पे ओवरलैप करा लेगा, ठीक है। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ। तो देखो यार, इन्होंने क्लोरीन ने, इस क्लोरीन ने और बेरिलियम के इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हेड ऑन ओवरलैपिंग किया, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इस क्लोरीन ने और बेरिलियम के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल ने भी हेड ऑन ओवरलैपिंग किया, जिससे यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आपका जो बेरिलियम क्लोराइड का
लीनियर अगर स्ट्रक्चर बनाए हम, वो कुछ ऐसा दिखता है सीएल सीएल, ऐसा ही ना दिखता है सीएल। देखो यार, आप ऐसा भी तो बना सकते थे बेरिलियम क्लोराइड को कि जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो आप बेरिलियम को ऐसा भी तो बना सकते हो कि ये इसमें भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड पेयर में क्या होते हैं, एक बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आ जाते हैं, तो दोनों बॉन्ड्स के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हमने पिछले क्लास में देखा था, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनने वाले बॉन्ड है, वो अपने आप को ऐसी मैक्सिमम दूरी पे रखते हैं जिस जहां पे उनके बीच रिपल्सन मिनिमम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों अब बॉन्ड अपने आप को कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे चला जाता है, जिससे दोनों बॉन्ड्स के बीच रिपल्सन मिनिमम होता है, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री को, बी सी एल टी सी एल टू के इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर का मतलब सीधा, ठीक है। और जो दोनों क्लोरीन सीएल बीई और सीएल के बीच जो बॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। और इस कंपाउंड में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। देख लो यार, जब कोई भी चीज ऐसे लीनियरली होती है, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको नोट करना, नोट करो। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहीं पे देख लो, ठीक है। जहां पे बी सी एल टू होगा, वहीं पे आपका बी एफ टू लगा देगा, ठीक है। बुक में जो एग्जाम्पल दिया, वहीं पे बी एफ टू लगा दिया है, तो इसमें क्या होगा, जहां पे क्लोरीन था, सो हर जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन। बस चेंज क्या कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, तो फ्लोरीन का, इसको रफ करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इसका 1s2, 2s2, 2p5 होगा। इस एक और फ्लोरीन है, उसका भी 1s2, एक सेकेंड, 2s2, 2p5 होगा। तो देखो यार, यहाँ पे वैलेंस शेल में कौन कौन है, 2s और 2p है, और दोनों फ्लोरीन के 2p में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला 2pz और एक और जो दूसरा फ्लोरीन है, उसके भी 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये वाला 2pz। तो क्या होगा, यही दोनों 2pz जाके यहाँ पे ओवरलैप कर लेंगे और बाकी कहानी सेम ही होगा, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें, बीई एफ और एफ की, तो इनका भी जो ज्योमेट्री होगा वो लीनियर होगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। फालतू का अलग से बताने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए देखो यार, जो फ्लोरीन जो आपका है और क्लोरीन है, दोनों हैलोजन है, ठीक है। तो जो ये हाइब्रिडाइज करे, हाइब्रिडाइजेशन में जैसा बिहेवियर दिखाएगा, वही ये भी दिखाएगा, बस फर्क कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बस देख लो कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, फ्लोरीन के केस में क्या होगा, यहाँ पे इसका 2pz ओवरलैप करेगा, और जब क्लोरीन था, तो उसका 3pz ओवरलैप किया था, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, हो गया। चलो तो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की और उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। आपको एक बात तो मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम का होता है, पिछले ही क्लास में हमने आपको स्पेसिफाई करके बता दिया था, तो ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इसके सेंटर में कौन होगा, कार्बन होगा, और सराउंडिंग में दो ऑक्सीजन होंगे। सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, जो बीच में होता है। सराउंडिंग एटम्स कौन होते हैं, जो अगल बगल होते हैं किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो 1s2, 2s2, 2p2। वैलेंस शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, 2s होगा और 2p होगा, ठीक है। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है,
और 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, इनका भी 1s2, 2s2, 2p4, इनके वैलेंस शेल में कौन कौन सा होगा, 2s होगा और 2p4 होगा, 1, 2, 3, 4, इनके भी 2s में दो होगा और 2p में चार इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2, 3, 4। देखो यार, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, टोटल सराउंडिंग एटम्स के पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनाने के लिए आपकी कार्बन के पास भी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने, दो हैं। तो हम क्या करते थे, हम कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना है टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो कार्बन के 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब चार इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल है ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जो आपका पहला ऑक्सीजन है उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा, 2PY वाला। देखो यार, ये क्या होता है 2PX, ये क्या होता है 2PY, ये क्या होता है 2PZ, ये क्या होता है 2PX, ये क्या होता है 2PY, ये क्या होता है 2PZ, ठीक है। देखो यार, इन तीनों का X, Y, Z तीनों का एनर्जी सेम होता है, तो आप चाहे इसको X बोलो चाहे इसको X बोलो, ठीक है, नाम आप किसी का भी कुछ रख सकते हो, तीनों का एनर्जी सेम होता है। जो आपके PX, PY, PZ होते हैं सबका, PX, PY, PZ सबका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, बस डिफरेंस किस में होता है, इनके ओरिएंटेशन में। मतलब इनका PX, PY, PZ, PY, PX एक दूसरे से 90 डिग्री पे ओरिएंट होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे बने होते हैं, ठीक है। PX, PZ ऐसा होता है, PX ऐसा होता है 90 डिग्री, और जो आपका PY होता है वो प्लेन के अंदर बाहर होता है, प्लेन के अंदर बाहर होता है, वो भी सभी के साथ 90 डिग्री का बॉन्ड बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सॉरी बॉन्ड नहीं एंगल बनाता है, ठीक है। तो चलो, तो बात करते हैं ओवरलैपिंग के बारे में। तो पहले ऑक्सीजन का ये 2PY और ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे, और दूसरे ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का कौन सा, 2PY, और ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाने में पार्ट ले लेंगे। देखो यार, एक्सपेरिमेंट जो बात बोलती है, केमिस्ट्री क्या है, एक्सपेरिमेंट पहले होता है उसको समझाने के लिए बात बोला जाता है, जो एक्सपेरिमेंट बात बोलती है उसी को हम क्या करते हैं, टीचर या केमिस्ट समझाने का ट्राई करते हैं, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट बोलती है वही बताया जाता है। आप जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का डायग्राम देखते हो तो ऐसा देखते हो, क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ऐसा ही ना देखते हो। और आपको एक बात तो मालूम है, जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो पाई बॉन्ड के लिए बनाया ही नहीं गया था, इसीलिए इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले ही हम पाई बॉन्ड्स को बना देते हैं, और बोलते हैं कि कार्बन का ये दोनों ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गए, ऑर्बिटल कहे जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज का मतलब ऐसे ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे या नहीं करते, ठीक है। तो क्या हुआ, ये दोनों क्या कर लिए, पाई बॉन्ड बनाने में पार्ट ले लिए, ये दोनों, ये दोनों, और उसके बाद कार्बन के कौन से ऑर्बिटल्स बचे, ये दोनों बचे, तो ये दोनों क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लेंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और नाम क्या होगा, क्योंकि ये एक यस और एक पी से मिलके बना है, तो नाम क्या होगा, यस पी, यस पी। और यस पी का शेप कैसा होता है, हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था। तो चलो, हम क्या करते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यार, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जब भी आप ओवरलैपिंग डायग्राम बनाओ तो पाई बॉन्ड को शो उसमें मत करना, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही शो करना, ठीक है। तो चलो, ये इसको रफ करते हैं, इसका भी जरूरत है, इसको रफ कर दे, चलो उसका हमको जरूरत है ना, इसको रफ कर दे,
तो आपका कार्बन का दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए पहले, ये एक sp जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा sp जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या होगा, इस ऑक्सीजन का 2pz आके यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा, और दूसरे ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन का 2pz आके यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा। प्लस माइनस देखो यार, ओवरलैपिंग के टाइम ये बात तो अपने दिमाग में रखो कि ओवरलैपिंग सिर्फ अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स का होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है, तो आप ओवरलैपिंग के टाइम इनका स्पिन अपोजिट कर देना। ठीक है, देखो यार, हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज पेयर्ड हैं, तो जिनसे ये बॉन्ड बनाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग किया, अब इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोनों इस ओवरलैपिंग रीजन में आ जाएंगे। देखो, इस कार्बन के इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के 2pz ने क्या किया, हेड ऑन ओवरलैपिंग किया, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और कार्बन के इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के s2pz ऑर्बिटल ने कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 2pz अटोमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, इन दोनों ने भी ओवरलैप किया एक्सियली, जिससे यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिड डायग्राम है। ठीक है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम वैसे बात करें कि पाई बॉन्ड को भी हम इंक्लूड कर लें, तो पाई बॉन्ड को भी इंक्लूड कर लो, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और पाई बॉन्ड बना जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से, जो अनहाइब्रिडाइज का मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिए वो डायरेक्टली अटोमिक ऑर्बिटल ने डायरेक्टली ही ओवरलैप किया। ठीक है, ये दोनों अटोमिक ऑर्बिटल ने और ये दोनों अटोमिक ऑर्बिटल ने डायरेक्टली ओवरलैप कर लिया। ठीक है, जहां जिससे क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में sp है। ठीक है, कोई पूछे कार्बन का हाइब्रिड स्टेट बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो बोलो sp। बोले कैसे हुआ, तो ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। चलो, हो गया, चलो इसको रफ करते हैं पहले। अरे हाँ यार, एक बात बच रहा है। देखो यार, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। ठीक है, जो COO बॉन्ड बना हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, उनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। और ये कैसे कहे जाएंगे, इनका ज्योमेट्री कैसा होगा, देखो ये कैसे दिख रहा है, जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है तो जो ज्योमेट्री होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर 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 का मतलब एक लाइन वाले। ठीक है, एक लाइन में होने वाले। ठीक है, तो चलो ये भी बात हो गई, इसको नोट करो। तो अब बात करते हैं HgCl2 के, HgCl2 में Hg के हाइब्रिडाइजेशन और उनके ओवरलैपिंग डायग्राम के बारे में। ओवरलैपिंग डायग्राम से मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो डायग्राम बनेगा उसके बारे में। ठीक है, HgCl2, Hg क्या होता है, मरकरी, Hg मरकरी है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80। ठीक है, पहले क्या करते हैं, HG का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आपको यार एक बात तो मालूम ही होगी, जब बड़े बड़े एटॉमिक नंबर वाले आटम्स आने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, नोबल गैसेस के कोर का सहारा लेते हैं। ठीक है, 11th 12th में आपने पढ़ा ही होगा, जब बड़े बड़े आते हैं तो हम क्या करते हैं, नोबल गैस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हम किसका हेल्प लेंगे, जिनॉन का, जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54। देखो यार, आप क्या करो, 1s2s2p 3s3p ऐसे करो 54 तक, या डायरेक्ट जिनॉन लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जिनॉन लिखने का मतलब उसमें 54, 54 टोटल इलेक्ट्रॉन कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और
सिक्स यस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स पी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिक्स पी में जीरो होते हैं, तो इसको हटा कर रख दो अभी, ठीक है। तो 54 और 14 कितना हुआ, 68, 10, 78, 2, 80। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मरकरी का यही होता है, ठीक है। तो देखो यार, वैलेंस सेल में कौन सा है, सबसे बाहर सेल में आपका सिक्स यस है, सिक्स यस में दो इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दो क्लोरीन है आपके पास, सीएल सीएल, इनके वैलेंस सेल में कौन कौन होगा, 3s2 3p5, ठीक है, 3s2 3p5, 3s दोनों भरे होंगे और 3p में एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। तो देखो यार, एक यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन, टोटल दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्यों, बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी को, अरे यार फिर ब्लैक खुल गया, मर्क्यूरी को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, तो क्या होगा, जो टू सिक्स यस का इलेक्ट्रॉन, दोनों पेयर्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और सिक्स पी में जो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा सिक्स पी में, ठीक है। तो सिक्स यस में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और सिक्स पी में भी एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। सिंपल समझो, अगर हम 6s और 2pz, 6px और 2pz, मतलब मर्क्यूरी के 6s और क्लोरीन के 2pz को ओवरलैप करा के बॉन्ड बना दे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इस क्लोरीन के, सॉरी, मर्क्यूरी के 6px और इस क्लोरीन के 2pz के ओवरलैपिंग करा दे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कहलाएगा, जो कम स्ट्रॉन्ग होगा कैस किसके कंपैरिजन में, जब हम इन दोनों का पहले क्या करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दें यस पी, उसके बाद क्या करें, सिक्स यस, पहले ये सिक्स यस था तो क्या हुआ, ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल था, हमने क्या किया, दोनों को मिला के मरकरी का HG हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, और क्लोरीन के 2pz से जब ओवरलैप कराएंगे और sp और 2pz से जो ओवरलैपिंग कराएंगे वो, सॉरी यार साइन उल्टा बना दिए थे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। देखो यार, केमिस्ट्री क्या है, कोई एक चूड़ी देता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, हेड भी होता है टेल भी होता है, वैलेंस बॉन्ड चूड़ी आया तो उसका कुछ मेरिट था, डी मेरिट भी था, तो उसी डी मेरिट को कवर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों ने मिलके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। अब क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, मर्क्यूरी का एक sp और दूसरा sp, तो थोड़ा जगह बनाए, इसको ही रफ करना पड़ेगा। चलो, क्लोरीन का 2pz 2pz यानी सॉरी 3pz 3pz में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है, चलो ठीक है ना। तो आपका क्लोरीन का 3pz आके यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा और दूसरा क्लोरीन का 3pz आके यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिख रहा है, हाँ, और यहाँ पे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, HG CL CL बॉन्ड लेंथ कितना है, सॉरी बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल ANGLE बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री का। और जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर ज्योमेट्री का होता है, ज्योमेट्री कैसा, लीनियर, ठीक है। चलो इसको नोट करो, अब उसके बाद दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, हो गया,
चलो तो बात करते हैं आप C2H2 के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत अच्छा है यार, वैसे ना हिस्ट्री का कहानी नहीं होता वो, तो वैसे ही है, अगर दिल से खाली सुनते जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर सोचोगे केमिस्ट्री हार्ड है तो हार्ड नहीं है, फिर सबसे हार्ड हमको लगता है मैथ और फिजिक्स, क्योंकि वहां पे कुछ जल्दी दिखता नहीं है, और केमिस्ट्री में हम कहानी की तरह बना के उसको समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, ठीक। तो अब बात करते हैं C2H2 के डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1s1, 1s1 एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद कार्बन के पास 1s2, 2s2, 2p2, दूसरे कार्बन के पास 1s2, 2s2, 2p2, वैलेंस शेल में कौन कौन से होंगे, 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में दो इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2p में भी एक दो इलेक्ट्रॉन। आपको एक बात तो मालूम है, कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, चार बॉन्ड बनाने वाला, टेट्रा वैलेंट होता है, चाहे वो कार्बन कार्बन खुद में बॉन्ड बनाए या कार्बन हाइड्रोजन बनाए या कार्बन ऑक्सीजन बनाए, जो जिसके साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाता है उसका वो हमेशा ही चार बॉन्ड बनाता है, किसी के भी साथ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी चार बॉन्ड बनाएगा, देखो यार यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब दो ही बॉन्ड बनेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले कार्बन की बात करें तो उसके जो एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो क्या होगा, जो बाहर वाले शेल में ऑर्बिटल है कौन सा है, 2s और 2p, इनमें से जो ऑर्बिटल में बॉन्ड बना होगा कौन से, किस में बॉन्ड बना है, 2s में, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा हीट होने की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये यहाँ 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और दूसरे कार्बन की बात करें तो दूसरे को भी हम हीट करेंगे, दूसरे को हीट करेंगे तो क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, 2, 3। अब देखो यार, इसके पास भी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या कराएगा, टेट्रावेलेंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, टेट्रावेलेंट कहलाएगा, चार बॉन्ड बनाने वाला, एक्सपेरिमेंट बोलती है कार्बन हमेशा चार बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। तो उन चार बॉन्ड में से ये 2pz 2pz 2py 2py पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है, जिससे इस कार्बन का ये दो और इस कार्बन का ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रह जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहे जाएंगे, मतलब पहले कार्बन के दो ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के भी दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना लेंगे और पाई बॉन्ड जहां भी बनता है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन की बात हम नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही बना था। उसके बाद बचा ये दो और ये दो, ये क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला कार्बन की बात करें तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, नाम क्या होगा, क्योंकि एक यस और एक पी ने पार्टिसिपेट किया तो नाम यस पी, नाम यस पी। दूसरे कार्बन की भी बात करें तो वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, नाम क्या, यस पी यस पी यस पी यस पी, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो चलो यार, हाइड्रोजन का तो सबको याद रहता है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1 ही बनाएगा, ठीक है। तो जो आपके कार्बन कार्बन के पहले यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपस में ही क्या कर लेंगे, आपस में ही एक्सिली ओवरलैप करके
सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। ये दूसरा sp प्लस माइनस, ये दूसरा कार्बन का sp आपस में ही मिलके क्या कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, प्लस माइनस, ये भी sp, ये भी sp, ये भी sp, ये भी sp। तो पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड sp sp की ओवरलैपिंग से, ठीक है। उसके बाद कौन बचा, दो हाइड्रोजन बचे, तो हाइड्रोजन में 1s1 था, और s ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो वो आके दूसरे sp से ओवरलैप कर जाएगा, दूसरे sp से ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है C2H2 का हाइब्रिड स्टेट में, ठीक है। अगर हम जनरली बात करें कि कार्बन चार बॉन्ड बनाना चाहिए, तो वो आप ऐसे दिखा सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना sp sp ओवरलैपिंग से बना, और कार्बन के sp हाइड्रोजन के 1s, कार्बन के sp हाइड्रोजन के 1s से बना। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच जो दो बॉन्ड बना था वो क्या हुआ था, पैरेलल ओवरलैपिंग से हुआ था, जो क्या हुआ था, बिना हाइब्रिडाइजेशन के हुआ था, वो प्योरली एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना था। देखो यार, पाई बॉन्ड कैसे बना था, जब 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, 2py एटॉमिक ऑर्बिटल, 2py एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया था, मतलब प्योर ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग किया था, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रह जाएंगे, और कार्बन यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। देखो यार, 1 2 3 चौथा बॉन्ड कार्बन का कंप्लीट। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 चौथा बॉन्ड कंप्लीट, मतलब कार्बन कैसा है, टेट्रा वैलेंट है। तो चलो यार, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक sp कंप्लीट हो चुका है, अगर कोई डाउट बचा हो तो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।